हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर मेरी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो दवाइयां ले रहे हैं किसी भी मानसिक समस्या की, या फिर जिन्हें फील हो रहा है कि मुझे दवा की जरूरत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें जिन्हें दवाइयों की जरूरत है या जो दवाइयां ले रहे हैं, और इस तरह से आप समाज का भला भी कर पाएंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण आपको दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी या फिर आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। हम लोग चारों तरफ इसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, हर रोज हमारे माँ बाप कहते आए हैं, स्कूलों में हमने देखा है, सोशल मीडिया पे इसकी भरमार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्सरसाइज की। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली चीज है, आपको एक रुपये भी खर्च नहीं करने हैं, सिर्फ अपनी रूटीन में 5-10 मिनट का समय निकालना है। अगर आप लो मूड के शिकार हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, आप जो सबसे पहला स्टेप लो उसको हील करने के लिए, वो है आप एक्सरसाइज शुरू करो। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक बहुत ही टफ सीन क्रिएट होता है कि सुबह जल्दी उठना होगा, अपना कम्फर्ट छोड़ना होगा और बहुत हार्ड वर्क करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इतना टफ लेवल पे सोच करके आप कभी एक्सरसाइज शुरू भी नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने शुरू भी किया तो कुछ दिनों में छोड़ देंगे, क्योंकि हम अपना कंफर्ट लेवल नहीं छोड़ना चाहते। तो मैं जब भी एक्सरसाइज की बात करती हूँ बिगनर्स के लिए, तो हमेशा कहती हूँ कि कंफर्ट के साथ शुरू करें। जब आपको अच्छा फील हो, सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, जब उठते हैं तभी उठें। पूरे दिन में नहाते समय, कपड़े धोते समय, या फिर कपड़े ढूंढते समय, किसी फाइल को अरेंज करते समय, चाय बनाते समय, जब आपको लगे आप अपनी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत अच्छे से स्ट्रेच करें, खींचें जितना आप खींच सकते हो, शुरुआत इससे आप करें। एक दो दिन आप ऐसा ही करते रहें, दो इसकी संख्या बढ़ाते जाएं, कभी एक बार, उसके बाद दो बार, चार बार, करते करते आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। देन आप 2-4 दिनों के बाद कोई भी एक हल्का सा एक्सरसाइज अपने रूटीन में लेकर के आ जाएं, वो एक्सरसाइज जिसके लिए आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, हो आपको मैट ना जुगाड़ करना पड़े, आपको खाली जगह ना देखनी पड़े। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े, ईजिली हो सके सिर्फ अपनी बॉडी को हिलाने डुलाने से हो जाए, आपको कोई जगह ना ढूंढना पड़े और कोई उसके लिए इक्विपमेंट ना लेनी पड़े। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज आप ढूंढ सकते हो, बहुत सी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो सिर्फ बॉडी के मूवमेंट में होती हैं, बैठने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, और इस तरह से आप खड़े खड़े ही कर सकते हो तो खड़े खड़े करो, आपको बैठना पसंद है तो बैठ कर करो, ज़्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं है, बस हल्के हल्के करके स्टार्ट करो। 10 दिन आप ऐसे ही करो, आपको इसका फर्क मिलने लगेगा। इन एक्सरसाइज की मदद से बॉडी के जो नेचुरल न्यूरोकेमिकल्स हैं वो ऐसे ही स्टिमुलेट होने लगेंगे, और इस तरह से आपको फील गुड होना शुरू हो जाएगा। जब आपको अच्छा महसूस होने लगे, आपको लगे कि यस मुझे थोड़ा सा भी 5% भी जोश आ रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, देन आप इसकी संख्या बढ़ाना शुरू करो, टाइमिंग बढ़ाना शुरू करो। हो सकता है तो इसको मॉर्निंग में या शाम के टाइम पर शिफ्ट करो, इसको एक टाइम के लिए फिक्स करना शुरू करो। धीरे धीरे कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ जब समय मिले तब करना है। रिजल्ट जब मिलेगा तो ऑटोमेटिक कंफर्ट हमारे लिए फिर सेकेंडरी हो जाएगा और हमारा हेल्थ प्रायोरिटी में आ जाएगा। बहुत से लोग एक्सरसाइज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत तामझाम करते हैं और 2-4 दिन करने के बाद छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो 15-20 दिन करते हैं और फिर भी उनसे छूट जाता है। मैं खुद इसी कैटेगरी में आती हूँ, जहाँ मैंने शुरुआत में बहुत कोशिश की, बहुत बार उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करने की कोशिश की और फिर कुछ दिनों के बाद ड्रॉप। देन मैंने इसको फाइंड आउट किया कि मैं कहाँ मिस्टेक करती हूँ, कहाँ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो मैंने फ्री कर दिया। जब मुझे मूड हो जाए, जब मुझे अच्छा लगे, मैं वैसे शुरू करती आई हूँ, और करने के बाद धीरे धीरे मैं उसको रूटीन में लेकर के आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ कर ही लेती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिनों का ब्रेक आ जाता है, बट जैसे ही मुझे फिर से लगता है कि बॉडी में किसी तरह का कोई पेन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम दिखी, मैं फिर से पुराने तरीके से एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ डेली रूटीन में, और वो समस्या दूर हो जाती है। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि मुझसे बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता, और जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस एक्सरसाइज को जरूर करें जो बिना किसी खर्च के होती है और गंभीर से गंभीर मानसिक समस्याओं में भी आपको राहत पहुँच जाती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगर कोई गंभीर समस्या हो गई है, आप डीप डिप्रेशन में हैं, आप बाइपोलर के बहुत एडवांस लेवल पे हैं, उसी तरह की मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास ना जाएं।
जरूर जाएं। हमें कई बार डॉक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन जाने से पहले जो पहला स्टेप आप उठाएं वो इस तरह की एक्सरसाइज को शामिल करें। एक्सरसाइज को शामिल करने से ही आपको 60-80% राहत मिल जाता है। बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं उसके लिए आप दवाइयों की मदद लें, काउंसलिंग की मदद लें, या फिर जो भी डॉक्टर आपकी सलाह देते हैं वो काम करें और आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट के लिए एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों को एक तरह की एक्सरसाइज फॉलो नहीं करनी होती है, क्योंकि जो एक्सरसाइज डिप्रेशन से बाहर निकालता है वही एक्सरसाइज एंग्जाइटी को बढ़ा भी सकता है। तो ये देखना होता है कि सामने वाले को कौन सी समस्या है, उसको किस तरह के एक्सरसाइज को फॉलो करना है। तो इसके लिए मेरी सलाह होगी कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, सलाह लें, उसके बाद ही करें। हो सकता है कि मैं इन फ्यूचर इस पर कोई वीडियो बना पाऊँ, कोशिश करूँगी कि जरूर बनाऊँ और आप लोगों की मदद कर पाऊँ। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर जिनको साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलते, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से घर बैठे कुछ सॉल्यूशन मिल जाए और वो अपने आप को हेल्दी कर पाएँ। अगर आप इस वीडियो को फॉलो नहीं करते हैं या फिर लोगों तक नहीं पहुंचाते जिनको इनकी ज़रूरत है, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो या तो आप मुझे मेल करें या मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर आपको स्क्रीन पर अवेलेबल है, या फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से जा करके मिलें। फिलहाल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहे जितने भी इंटीरियर इलाके में हो, आपको साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। खुद मेरी सर्विस भारत के हर एक कोने में है ऑनलाइन माध्यम से। तो हेल्प लेने से ना हिचकिचाएं, लेकिन किसी भी हेल्प को अगर आप लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर डिपेंड कर जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर डिपेंड करें, खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं। बहुत सी छोटी छोटी समस्याओं को आप बिना एक रुपया खर्च किए ही घर पर ठीक कर सकते हैं। इस बात के महत्व को समझें। एक प्रचलित धारणा है कि जब फ्री में कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम वैल्यू नहीं करते इसका ये मतलब नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं होती। इस बात को समझें और फ्री में होने वाली इन चीज़ों को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। आशा करती हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आया हो तो इग्नोर करें। आती हूँ ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।